चल मेरे साथ तुम। नहीं पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। तू मेरे साथ चलेगी कैसे? नहीं मैं तुझे दिखाता हूँ, तेरा तो बाप भी जाएगा। पिताजी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। इधर चल मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ कौन है तू? मैं कोई भी हूँ। आप पहले मुझे ये बताइए कि आप इस लड़की का हाथ पकड़कर इसे जबरदस्ती कहाँ पर ले जा रहे हैं? मैं कहीं भी लेके जाऊँ तेरा क्या मतलब है? चल तू मेरे साथ। नहीं नहीं चल रही है कि नहीं चल रही है? भैया प्लीज मुझे बता लीजिए, भैया प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ये मेरे ससुर जी है और ये मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। अरे पर तो ये तो अच्छी बात है ना, शायद आपकी तबीयत खराब होगी इसलिए आपको अस्पताल लेकर जा रहे हैं। नहीं नहीं ये मुझे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए नहीं लेके जा रहे। मेरे पेट में पल रही बच्ची ननी सी जान को मरवाने के लिए लेके जा रहे हैं। भैया मेरे बच्ची को बचा लीजिए। क्यों अंकल, ये जो लड़की सारी बात बोल रही है ये सब सच है? तेरा मतलब क्या है? चल अपना काम कर। चल रही है कि नहीं चल रही है तू? तेरा तो बाप भी जाएगा, देखता हूँ तू कैसे नहीं चलती। लगता है अंकल आप ठीक से मुझे जानते नहीं है। पहले तो आप इस लड़की का हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा मैं, क्या कर लेगा तू मेरा? रुक जाइए अंकल, मैंने कहा ना इस लड़की का हाथ छोड़िए, आपको समझ नहीं आता? अरे तू जा अपना काम कर, जानता नहीं है मुझे तू। अच्छा लगता है आपको बताने पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मैं सीरिय का ना ऐसा ही हूँ, समझे आप पुलिस वालों में? सीधी तरह से मेरी बात मान लीजिए, वरना मुझे बात मनवाने के ना और भी कई तरीके आते हैं। क्या बात है बहन, अब बताओ खुलकर सारी बात। और एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पेट में बच्चा है और वो लड़की है और तुम्हारे ससुर गिरवाने के लिए ले जा रहे हैं, तो तुम्हारा पति कुछ नहीं बोलता क्या? उसको इस बारे में कुछ नहीं पता क्या? नहीं नहीं मेरे पति को तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। दरअसल मेरे पति ना बाहर जॉब करते हैं और मैंने उनको बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने मेरा फोन छीन लिया और अपने पास रख लिया। और मैंने कई बार सोचा कि मैं उन्हें बताऊं, लेकिन इनके फोन पे मेरी बात होती थी और ये हमेशा मेरे पास ही खड़े रहते थे, मुझे बताने नहीं देते थे। मैं उन्हें कैसे बताती भैया? मेरे पति को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और मेरे ससुर जी को जैसे ये पता चला कि मेरे पेट में एक लड़की पल रही है, तभी से पता नहीं इनके दिमाग पर धुन सवार हो गई इसे मरवाने की। भैया आप ही बताइए, क्या लड़की होना गुनाह है? अगर मेरे पेट में एक लड़की है तो इसमें मेरी क्या गलती है और मेरी इस मासूम सी बच्ची की क्या गलती है? आखिर क्यों इन्हें लड़की से इतनी नफरत है? क्यों ये मेरी बच्ची को मरवाना चाहते हैं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए भैया प्लीज। आप चिंता मत कीजिए बहन, रोइए मत, मैं आपकी बच्ची को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और वैसे भी ये ना कानूनी बहुत बड़ा जुर्म है और इसे करने वाले और करवाने वालों को कई साल की जेल तक हो सकती है, समझे अंकल? और हाँ अंकल आप एक बात बताइए, इस छोटी सी बच्ची ने जो अभी पैदा भी नहीं हुई है आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इसको मरवाने के लिए ले जा रहे हैं? हाँ क्या करूंगा इस लड़की का, पढ़ाऊंगा मैं, लिखवाऊंगा मैं, खर्चा मैं करूंगा, और ब्याह होकर कहीं और किसी और का पंच बढ़ाएगी, और कल को अगर किसी के साथ भाग गई तो नाक मेरी कटवाएगी, इसलिए मैं इस लड़की को मारना चाहता हूँ। पापा आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी बच्ची बड़ी होकर भाग जाएगी किसी के साथ और हमारे खानदान की नाक कटवा देगी, बोलिए। हाँ अंकल ये बहन बिल्कुल ठीक बोल रही है। और आप किस जमाने में जी रहे हो? ये 2024 है, ये आपका वो पुराना जमाना नहीं है। और आजकल लड़कियां क्या नहीं करती हैं, किसी भी काम में ना लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। हर लड़कियां डॉक्टर है, इंजीनियर है, इंस्पेक्टर है, यहाँ तक कि पायलट भी है और एस्ट्रोनॉट भी है। अरे कहाँ तक नहीं चलेगी लड़कियां, आप कहाँ जी रहे हो? और आजकल आजकल तो लड़के किसी काम नहीं आते, जब आप बूढ़े हो जाते ना तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, सिर्फ ये बेटियां ही हैं जो अपने माँ बाप का ना शादी के बाद भी सहारा बनती हैं। आपको क्या पता कि लड़कियां क्या चीज होती हैं? मुझे लगता है आपके पास ना कोई बेटी नहीं है इसलिए आप ना इसके साथ ये सब कर रहे हो। अगर आपकी खुद की कोई बेटी होती ना तब आपको इसका दर्द पता चलता। और हाँ आपको क्या लगता है कि लड़की पैदा करने में इसकी गलती है? हर ये लड़की है लड़की, सोचिए अगर इसकी जगह आपका बेटा होता और वो लड़की होता, वो किसी के घर की बहू होता और उसके साथ कोई ऐसा करता तो आपको कैसा लगता? हाँ अरे कुछ भी सही, लड़की हो लड़का हो है तो आपके बेटे का ही खून, यानी कि आपका खून। अरे अंकल आप ना बहुत गलत कर रहे हो। और हाँ अगर आप सही तरह से मानते हो तो ठीक है, वरना ना आपको मैं कानून के जरिए सबक सिखाऊंगा, समझे आप? पिताजी ये भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पिताजी। और आपको पता है ना पिताजी कि हमारे खानदान में पिछले 3 पीढ़ियों से कोई भी लड़की नहीं हुई है, पहली बार हमारे घर में लड़की आने वाली है, लक्ष्मी आने वाली है। पिताजी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों मेरी बच्ची को मरवाना चाहते हैं पिताजी? और आप जरा सोचिए ना, जब हमारे घर में लक्ष्मी आएगी और हमारे घर में पाल पहनकर छन छन घूमेगी, कितना अच्छा लगेगा पिताजी। और पिताजी
आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, हम अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार देंगे कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगी, हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी। पिताजी इस नन्ही सी जान को आने दीजिए। पिताजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पिताजी आने दीजिए। पिताजी बेटा मैं बहुत गलत रास्ते पे जा रहा था, बहुत गलत काम कर रहा था बेटा, तूने मेरी आंखें खोल दी बेटा। ठीक है अंकल, अच्छा हुआ कि आप आसानी से मान गए और आपको अपनी गलती का पछतावा हो गया, वरना मुझे ना आपको लीगल तरीके समझाना पड़ता। और हाँ, जब तक ये लड़की पैदा नहीं हो जाती ना, तब तक आऊंगा मैं आपके घर पर चक्कर काटने के लिए, देखता रहूंगा कि लड़की सेफ है या नहीं। और हाँ बहन, आपको अगर कोई भी परेशानी हो ना, तो यहीं पीछे जो चौराहे पर थाना है ना, वहीं मैं बैठता हूँ, मेरा नाम पूछ लीजिएगा, ऐसा ईशान। ठीक है अब मैं चलता हूँ। बेटा मुझे माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती मेरे से हो रही थी, मैं पाप करने जा रहा था, मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं पिताजी, बड़ों के हाथ आशीर्वाद देते उठे तो अच्छा लगता है, हाथ जोड़ते हुए नहीं अच्छे लगते। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। चलिए पिताजी घर चलते हैं।